तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से दुकान खोलने के लिए। मैं जा रहा हूँ ढुंगा गांव में, वहाँ पे छोटा सा काम है। उससे पहले मुझे अपनी गौशाला में गाय को बाहर निकालना है, उसको घास डालना है और उसके बाद चलेंगे दुकान खोलने के लिए। और ये मक्खी बहुत बड़ी होती है, बहुत तेज आवाज़ कर रही है। आजकल हर जगह इसी का शोर है। और मैं आ चुका हूँ अपनी गौशाला में और यहाँ पे हल्दी लगा रखी है और सामने कुछ केले के पेड़ भी हैं जो कि बहुत ही बड़े हो रखे हैं। तो माँ ने घास डाल रखा है, मुझे सिर्फ गाय को बाहर निकालना है। तो चलिए जी, इनको निकाल दिया है मैंने बाहर, अब चलते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे भी धूप भी बहुत तेज है और यही सामने है लौकी की बेल, इस पर बहुत सारी लौकी लगी हुई थी और इतनी सारी लौकी खा ली हमने कि अब लौकी खाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक छोटी सी ककड़ी भी लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी लौकी लगी हुई है, उधर भी लौकी लगी हुई है और इधर एक कद्दू की बेल थी जो कि कहीं गायब हो चुकी है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल मैं बहुत कम ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि काम काज के दिन है और फिर अपने ही काम में मैं बिजी हूँ। तो यह है पहाड़ों का मौसम, मौसम बिल्कुल साफ है और इस बार बारिश नहीं हुई। जैसा कि मानते हैं सरादों में बारिश होती है, लेकिन इस बार हमारे आसपास कहीं भी बारिश नहीं हुई और पहाड़ के पीछे साइड को बादल लगे हुए हैं इधर भी और इधर भी, बाकी आसमान बिल्कुल खाली है। तो दुकान से सामान लेने के बाद मैं निकल चुका हूँ ढुंगा गांव के लिए और सामने ही मेरा गांव दिखता है यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा मोहल्ला है ठीक धार में और यहाँ से फैल रखा है मेरा गांव ठीक नीचे नदी तक। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, यहाँ तक पूरा गाँव मेरा फैल रखा है और बगल में है सीमी गाँव। शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है और आजकल रोड पर बहुत धूल हो रखी है जो कच्ची सड़कें हैं। ढुंगा गांव में पहुंचने वाला हूं और रास्ते के इस साइड को भी उनके खेत हैं और इस साइड को भी, तो लोग आजकल घास काट रहे हैं लेकिन अभी यहां का घास नहीं काट रखा है लोगों ने। रास्ते के हाल देखिए, पूरा रास्ता ही खराब हो रखा है, हर गांव के यही हाल है। और ये सामने है ढुंगा गांव, धूप बहुत तेज लग रही है यहाँ पे शाम के टाइम पे भी। जय हो बद्रीनाथ जी की, यहाँ पे है बद्रीनाथ जी का मंदिर। ये वाला घर पूरा टूट चुका है, यहाँ पे एक पुराना घर है जो कि टूट चुका है, आप देख सकते हैं इसके हाल। ये देखिए दरवाजा भी टूट चुका है और हल्का हल्का सा रेड कलर का ये घर है, पुराने जमाने के घर। और नीचे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है। तो ये ग्राम सभा ढुंगा गांव में है, पलायन हो चुका है यहाँ से भी, बहुत सारे परिवार जा चुके हैं शहरों की ओर। और जिनके घर पे मुझे काम करना था उनका घर का मुझे पता था ही नहीं, तो अभी मैं यहाँ पे पूछने गया था कि उनका घर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है उनका घर। तो छोटा सा काम है, उसके लिए सामान लाना पड़ेगा मार्केट से, हम निकलते हैं ढुंगा गांव से। तो घास ले गई खेलने वैसे क्यों जाए, हाँ ढुंगा से और जो ऊपर सड़क है जो सनाकुटी जा रखी है वहाँ तक का जो रास्ता है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। आते आते हालत ख़राब होगी मेरी, पसीना निकलना शुरू हो चुका है, इतनी भयंकर चढ़ाई है और साथ में धूप भी लग रही है। धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है पहाड़ों पे, अभी हल्की सी गर्मी है दिन के टाइम पे, कुछ दिनों बाद पूरा ठंडियों का मौसम आ जाएगा।
तो शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मैं कुंडल पहुंचने वाला हूं। यहां तक आते आते हालत ख़राब हो गई, पसीना निकलना शुरू हो गया है, भयंकर गर्मी हो रही है और पहाड़ों पे ऐसे ही जाना होता है दूसरे गांव में। रोड तो है लेकिन जो रोड होती है वो घरों से बहुत दूर होती है, तो शाम की वॉक भी हो गई, इसीलिए पहाड़ी बिल्कुल फिट होते हैं क्योंकि उनका ये डेली का काम होता है। सुबह के अभी 6:45 हो रहे हैं और सुबह सुबह दर्शन दिए हैं दीवा माता जी ने। ये देखिए आप, कुछ चमक रहा है मंदिर में। जय हो। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और जो पहाड़ों का मौसम है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आसमान में बादल आ चुके हैं और हल्की हल्की सी धूप भी है, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और लगता है अगर ऐसे ही मौसम रहेगा तो क्या पता शाम को हमें पहाड़ों पे बारिश देखने को मिले। वैसे भी बहुत टाइम से पहाड़ों पे बारिश नहीं हुई है और मैं जा रहा हूँ दुकान खोलने के लिए और क्या पता अभी मैं मार्केट जाऊँ चौबट्टा खाल या नौखाल, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। बाकी सारे लोग लगे हुए हैं अपने खेतों में काम करने पे, घास काटने पे, और जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे लोग अब हल लगाना शुरू करेंगे, लेकिन इस साइड को बहुत कम खेती होती है, लगभग हर गांव में लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है, तो सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं और लोग पहुँच चुके हैं खेतों में घास काटने के लिए। ये सामने ढूंगा गाँव है और इस साइड को उसके पूरे खेत हैं, बाकी यहाँ पर छोटा माल्ड गाँव है और गाँव के ही आस पास देखिए कितना भयंकर जंगल बनता जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं और ऐसी झाड़ियों में ही आजकल गुलदार का आतंक बना रहता है। नहीं, मेरा गांव है और इस साइड के खेतों में हमने भी घास काट दिया है और धीरे धीरे हम जो हमारा मोहल्ला है उसके दूसरी साइड को घास काटना शुरू करेंगे। और यहाँ बहुत पहले की बात है तो यहाँ पर इतनी झाड़ियाँ नहीं थी, ये बिल्कुल साफ था और लोग यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए घास काटने के लिए आते थे, लेकिन जब से अब खेत बंजर हुए हैं तब से लोगों ने इस साइड को लकड़ियाँ और घास काटना भी बंद कर दिया है, जिससे कि ये धीरे धीरे जितने भी यहाँ पे खेत हैं सारे जंगल बनते जा रहे हैं। बाकी मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और बारिश की भी बहुत ज़रूरत है पहाड़ों पे, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, तो देखते हैं आज बारिश होती है या नहीं। तो अभी हम खेड़गांव में थे काम कर रहे और दिन के 12 बज चुके हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं हम हरकोट मल्ला गांव में, थोड़ा सा काम वहाँ पे करना है जो कि ठीक सामने ही है। यहाँ पे एक गौशाला है, ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, तो पुराने ज़माने के घर ऐसे होते थे ये जो आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ से हमने 2 माल्टे भी लिए हैं जो कि पक चुके हैं और ठीक सामने है हरकोट तल्ला गाँव और मल्ला ठीक यहाँ पर है, तो इस जगह पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, लेकिन इनको तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे ये यात्री शेड बन रखा था यहाँ पे और इसके नीचे जो पुश्ता था वो पूरा टूट चुका है, तो भौगोलिक स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी नाजुक है, जमीन धस रही है यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हो रखा है नीचे साइड को और ये भी पूरा टूटने वाला है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता वह। और यहाँ आप देखिए नीचे तो सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी घास उनमें हो रखी है, मुश्किल से ही लोग इस घास को काट पाएंगे। ये पूरे खेड़गांव और हरकोट गाँव वालों के खेत हैं। मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है पहाड़ों का। तो यह हरकोट गांव, पूरा हरकोट गांव, और यहाँ पे थोड़ा सा काम था, देखना था हमें, इस पर काम हम ही कर रहे हैं और यहाँ से पूरे मकान हरकोट गांव के हैं, हरकोट मल्ला है और यहाँ पे बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। पूरा पेड़ यहाँ पे अमरूदों से भरा हुआ है। तो अब चलते हैं हरकोट मल्ला गांव से घर के लिए और यहाँ से रास्ता जा रखा है नीचे संगला कोटी मार्केट के लिए,
और कोटतल्ला गांव और टेल गांव यहीं सामने है नीचे साइड को, और बंदरों का आतंक है हर कोट गांव में, क्योंकि पूरे गांव में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं घरों के बीच में ही, जो कि बंदरों का घर है। शाम के 4:15 हो चुके हैं और मैं दिन में आ गया था घर पे, तो आज मेरा फास्ट भी है। एक गिलास दूध पिया मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे जो हमारा घर है उसके बाहर हमने फूल लगा रखे थे, तो जो टिन में हमने फूल लगा रखे थे वो पूरे ख़राब हो चुके थे, उनको मैंने चेंज किया। ले आजा, और अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं घर पे ही हूँ। यहाँ पे दादी ओखली में कुछ कूट रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। और दादी ने पूरे आंगन में लिपाई कर रखी है, क्योंकि अब बहुत कम लोग करते हैं। ये देखिए, ये गोबर और मिट्टी से यहाँ पे लिपाई कर रखी है, और दादी है यहाँ पे क्वादो, ये है मंडुआ। जरा मेरे विदे हो मिथे विदे मेरे बाल, जरा हाँ ये किसू इसे बोलते हमारे भाषा में इरखोलू, इसे ओखली बोलते हैं। और ये है वो डंडा जिससे कूटते हैं यहाँ पे। अरे दादी ने यहाँ पे लिपाई कर रखी है, तो यहाँ पे लगा रखे थे हमने फूल, जो कि ऐसे टिन में थे, और उन टिन पे पूरा जंक लग गया था, तो पूरे खराब हो चुके थे। तो यहाँ पे कुछ बैटरी के डब्बे पड़े हुए थे, जो ये सोलर लाइट लगी हुई है, तो अब तो इनकी बैटरी यहाँ लाइट पे ही होती है। पहले इनकी बैटरी यहाँ पे होती थी। यहाँ पे एक हमारा माल्टे का पेड़ है, इस पे भी माल्टे लगे हुए हैं थोड़े बहुत। बाकी यहाँ पे एक पपीते का पेड़ है, दो है यहाँ पे पपीते के पेड़, ठीक सामने ही है दूसरा भी, और इस पे फूल लगने शुरू हो चुके हैं। दिन तक पूरा मौसम बारिश जैसा हो रखा था, लेकिन अभी देखिए आप, आसमान बिल्कुल खाली है, कहीं कहीं पे हल्के हल्के बादल हैं, बस उस साइड को हैं थोड़े बहुत बादल, और धूप आ रखी है। दिन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत टाइम से पहाड़ों पर बारिश नहीं हुई है, तो पहाड़ों पर धुंध लगी हुई है। अब चलते हैं कुंडल साइड को, और दुकान खोल के बैठते हैं वहाँ पे कुछ देर, उसके बाद आ जाएंगे घर पे। आज फास्ट भी है, जल्दी आएंगे घर पे, खाना बनाएंगे अपने लिए।